नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद भी धड़ल्ले से हो रही है शराब की तस्करी। भागलपुर पुलिस ने जांच के दौरान भारी मात्रा में शराब किया बरामद। भागलपुर में पुलिस जीप ने डिवाइडर को मारी जोरदार टक्कर, मोटरसाइकिल सवार युवक हुआ घायल, जमकर हुआ हंगामा। शहरवासियों को जाम से मिलेगी निजात, चौक चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल का ट्रायल शुरू। और बीहपुर विधायक ने राजद नेता के बयान की निंदा, कहा अब्दुल बारी सिद्दीकी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में शराबबंदी के 6 साल बीत गए, लेकिन शराब माफिया धड़ल्ले से शराब की खेप बिहार में ला रहे हैं। हाल ही में जहरीली शराब पीने से छपरा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जबकि इसके अलावा सारण में भी 5 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफिया का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। दरअसल भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सनहोला चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक कार और स्कॉर्पियो को जाँच के लिए रोका, लेकिन चालक गाड़ी लेकर भागने का प्रयास करने लगा। वहीं इस पर पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस ने करीब 15 किलोमीटर तक पीछा कर कार को पकड़ लिया, जबकि तलाशी लेने पर कार से पुलिस को भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। हालांकि चालक मौके से फरार हो गया। इधर स्कॉर्पियो चालक पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। वहीं तेज रफ्तार से भागने के क्रम में स्कॉर्पियो कुछ दूर जाकर खाई में जा गिरी, जबकि सुबह बाईपास पुलिस ने खाई से स्कॉर्पियो को रेस्क्यू कर बाहर निकाला तो उसमें से भी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो पर पुलिस का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शराब की तस्करी का धंधा चल रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि शनिवार की अहले सुबह सनहौला चेक पोस्ट पर बांका की तरफ से आ रही कार एवं स्कॉर्पियो से चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में विदेशी ब्रांड का शराब बरामद हुआ है और फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इधर पुलिस जिला नवगछा के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत भोजू टोला कंगला वहियार के समीप शुक्रवार की देर रात्रि भवानीपुर पुलिस ने अंग्रेजी शराब जब्त कर ट्रक चालक सहित 5 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ट्रक चालक की पहचान मोहम्मद नदीम के रूप में हुई है। इसको लेकर भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने बताया कि शराब की बड़ी खेप लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सूचना का सत्यापन कर पुलिस बल के साथ कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए शराब को ट्रक में बने बॉक्स में ढककर लाया जा रहा था। साथ ही पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार चालक से पूछताछ और उसके मोबाइल डिटेल के आधार पर स्थानीय तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भागलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीफाबाग चौक के समीप पुलिस की जीप द्वारा सड़क के बीच में लगी डिवाइडर पर जबरदस्त ठोकर मार दिया गया, जिसके कारण डिवाइडर दूसरी तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार पर जा लगा और वह चोटिल हो गया, जबकि पुलिस जीप युवक को बिना मदद किए वहां से चलती बनी। इस घटना की पूरी तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से पुलिस जीप ने डिवाइडर में ठोकर मारी और डिवाइडर मोटरसाइकिल सवार युवक पर जा लगा। इधर इस घटना से युवक बीच सड़क पर बैठकर घंटों रोड को जाम कर दिया और धक्का मारने वाले पुलिस जीप के ड्राइवर पुलिस कर्मियों को बुलाने की मांग करने लगा। घंटों रोड जाम करने के कुछ देर बाद पुलिस वाले जाम स्थल पर पहुंचे और युवक को जबरदस्ती पुलिस जीप में बिठाकर इलाज के लिए ले गए। धक्का मारा, हम आ रहे थे उधर से, इसमें वो मारा धक्का, उड़ के मेरे मुंह पे लग गया और पाछे लग गया, यहाँ और यहाँ दोनों चोट है। यहाँ देखने ना, अभी तो 2 मिनट हुआ भाग गया, चाबी लिया वो भाग गया, फोर व्हीलर से था, जिप्सी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है छोटू कुमार। अभी जाम किए हुए हैं? हाँ, जाम किए हुए हैं। वो आएगा उसको हम छोड़ देंगे, बस तो मेरे सामने में आ जाए भी बस, और हमको कुछ ना करेंगे उसको। धक्का मार के भाग, बस तू धक्का मार के भाग। चाबी मेरे पास है, देखिए। किसका चाबी? उसका गाड़ी का। हाँ। ये गाड़ी है उसका। भागलपुर में जिला प्रशासन की ओर से ट्रैफिक सिस्टम को सुदृढ़ बनाने को लेकर बन में ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया था। वहीं शनिवार से जिले के मुख्य चौक चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल को ट्रायल के लिए चालू कर दिया गया है। हालांकि ट्रैफिक सिग्नल के शुरू होते ही कचहरी चौक से लेकर तिलकामांझी मनाली चौक तक जाम की स्थिति बनी रही। वहीं ट्रैफिक संचालन को लेकर ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार ने बताया कि शहर में जाम की स्थिति ना बने, इसके लिए सभी रेड लाइट को फिलहाल ट्रायल के लिए शुरू किया गया है, जबकि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले लोगों पर प्रशासनिक स्तर से कार्यवाही की जाएगी। नियम वही है जो ट्रैफिक रूल्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये सिर्फ सिग्नल्स लगाए गए हैं। पहले हमारी पुलिस इन लोगों को राह दिखाती है किधर से जाना है,
अब सिग्नल्स दिखाएंगे, मतलब जो यात्री है, जो सवारी है, जो भी वाहन है उसको फॉलो करना है, चाहे वो पुलिस के द्वारा दिए गए निर्देश हो या फिर सिग्नल के द्वारा दिए निर्देश हो। इसमें यदि किसी भी प्रकार की कोई उल्लंघन करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो जो व्हीकल्स रूल्स है, मोटर व्हीकल्स रूल्स है, उसके अनुसार दंड किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। भागलपुर के भीपुर विधानसभा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा देश का माहौल खराब होने से जुड़े एक बयान की निंदा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विधायक कुमार शैलेंद्र ने कहा कि अपने बच्चों को विदेशों में ही रहने की सलाह देकर भारत का माहौल खराब बताना देश विरोधी सोच है। उन्होंने कहा कि वे इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस तरह के बयान के लिए राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वे पूर्व विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वहां ऐसा बयान काफी निंदनीय है। बता दें कि राजद के राष्ट्रीय प्रधान सचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने बेटे बेटी को विदेश में बस जाने के सुझाव देने की बात करते हुए विदेश की ही नागरिकता ले लेने और देश का माहौल को नहीं झेल पाने की बात कही थी, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ने लगा है। राजद का कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल की जब सरकार थी, आरजेडी की जब सरकार थी, तो मंत्री भी रहा करते थे और अभी तो प्रदेश अध्यक्ष भी बनने वाले थे, लेकिन देश विरोधी बातें कहकर वो अपने बच्चे बाल बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि अब देश में रहना यहाँ के माहौल में नहीं है, इसलिए तुम लोग विदेश में ही रहो, वहीं की नागरिक थे। ये घोर निंदनीय है। मैं ऐसे कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूँ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जिस देश में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, सबों को एक साथ लेकर चलने का मन में ठाना है, वहां पर एक अल्पसंख्यक समाज के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी देश विरोधी बातें कर रहे हैं, इनका मैं घोर निंदा करता हूँ। भागलपुर में अपराध का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर सुबह के नव पदस्थापित पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी के पदभार ग्रहण करने के बाद राज्य की पुलिस क्राइम पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस को तेज गति से काम करने के लिए निर्देशित किया है। वहीं भागलपुर पुलिस के सुस्त और ढुलमुल रवैये से अपराधी बेखौफ है। दरअसल सबौ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक निजी अस्पताल के सामने दिन दहाड़े चार पहिया वाहन से दो हथियारबंद बदमाश उतरे और हथियार का भय दिखाकर वहां से वापस चले गए। यह सारी गतिविधि अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हो जाती है। जस्मदीद की माने तो कार में चार से पांच लोग थे, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। वहीं अस्पताल के मैनेजर राहुल राज का कहना है कि बाईपास टोल प्लाजा के आसपास नशेड़ियों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का जमावाड़ा लगा रहता है और आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती है, जिससे अस्पताल कर्मियों के बीच भय का माहौल है। मैनेजर ने कहा कि बीती रात भी एक नशेड़ी अस्पताल के गार्ड से भिड़ गया और हाथापाई में गार्ड की पिटाई करती थी। हालांकि अस्पताल कर्मियों की मदद से नशेड़ी को पकड़कर स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। साथ ही कहा कि कुछ दिन पूर्व में भी अस्पताल परिसर से एक कर्मी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसको लेकर अस्पताल कर्मी ने सबौर थाने में केस भी दर्ज किया था, लेकिन खुद को सुपर कॉप बताने वाले थानेदार पवन सिंह के द्वारा ना तो चोरी की गाड़ी बरामद हुई और ना ही चोर की गिरफ्तारी की गई। अस्पताल कर्मियों ने बताया कि दिन दहाड़े हथियार से लैस होकर बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसको लेकर उन्होंने स्थानीय प्रशासन से पुलिस गश्ती तेज करने की मांग की है। बहरहाल एक और मुख्यालय से पुलिस को अपराधियों की धरपकड़ में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। वहीं पुलिस के सुस्त रवैये से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ दिन पहले ये घटना हुई थी कि पेशेंट टेलीफोनिक बात करते करते यहाँ पे आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग उससे मोबाइल छीन लिया जाता है आगे टोल टैक्स के पास। फिर कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ की बाइक चोरी हो जाती है, इसके लेकर आवेदन भी दिया गया है। आवेदन देने के बाद भी अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिली है। फिर कल रात में 1:30 बजे एक लड़का जो सामने से आता है और जो हमारे गार्ड से हाथापाई करता है और हमारे गार्ड को पटक के भी दिया जाता है, इसका फुटेज भी हमारे पास है। इसके अकॉर्डिंग सुबह भी एक लड़का, वही लड़का मॉर्निंग में उसको हम लोग देखते हैं, फिर बात करते हैं, उसको प्रशासन को इन्फॉर्म किए हैं। प्रशासन कुछ देर के बाद आती है, 2-3 कॉल करने के बाद आई, उसके बाद उठा के ले गई है, आगे देखते हैं। बाकी ये एक भय लगा हुआ है कि कल जो दोपहर में एक गाड़ी आई हुई थी जिसमें बताया जा रहा है कि दो लोग गन लेके उतरे हैं और प्लस एक सामने में एक सीट पे
लेडी से बैठी हुई थी। एक गाड़ी आई, पूरब साइड से आती है गाड़ी और हमारे कैंटीन के सामने खड़ी हो जाती है। उसमें से दो लोग निकल के कैंटीन के तरफ देखते हैं, हाथ में पिस्टल था एक के हाथ में, और फिर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। आगे फ्रंट सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी, फिर वो लोग गाड़ी घुमा के चले जाते हैं। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम अशफाक अहमद है, घर मेरा डरिया बिलार है, पोस्ट करपुरी ग्राम, जिला समस्तीपुर, थाना समस्तीपुर, और वार्ड में मेरा वार्ड नंबर मेरा 15 है। हमको बहुत पहले से चीनी था, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास चीनी है। तो एकाएक हम चक्कर खा के गिर गए। उस वक्त में मेरा 450 से ऊपर मेरा चीनी था। तो नापा गया चीनी तो 530 या 533 मेरा चीनी था। तो हमको ICU में लोग ले जा करके भर्ती करा दिया। वहाँ निकल गया कि इनको चीनी है, तो उस वक्त चीनी मेरा था 530। तो इलाज हुआ तो इंसुलिन पड़ता था सुबह शाम। तो वहाँ 5 दिन ICU में भर्ती रहे। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ से नाम काट दिया, तो दवा लिख दिया, अंग्रेजी दवा। दवा का नाम है ग्लाइकोमेट GP24। एक डेली सुबह में खाते थे, लेकिन खाने के बाद हमको नुकसान बहुत हुआ कि आँख की रोशनी चली गई। तो अब ठीक हो जाइएगा, तो दवा खाते हुए ही अंग्रेजी दवा जब खाना शुरू किए तो आँख की रोशनी चली गई। अब सोचिए, हम एक तो डायबिटीज हो गया, दूसरा नंबर की मेरी आँख की रोशनी चली गई। अब हम करें तो क्या करें। देखो आयुर्वेदिक दवा देते हैं डायबिटीज का, तो इनसे मिले हम, तो 6 महीना हम दवा इनका खाएं हम। तो मेरा चीनी अभी जो है मात्र 127 है। खाना खाने के बाद चावल रोटी खाना खाने के बाद टेस्ट किया गया तो 127 है ये। हाँ, तो अब जो दवा है मेरा 6 महीना खाने के बाद मेरा दवा अब बंद हो गया है। कितना दिन से आपका दवा बंद है यहाँ से? 1 महीना से दवा मेरा बंद है, आयुर्वेदिक दवा मेरा 1 महीना से बंद है। उसके बाद भी चेक किया गया है तो मात्र 127 मेरा आया। पहले से अभी कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत फिट है, हम चलने फिरने में भी ठीक है। पहले 10 कदम चलते थे तो दम फूल जाता था। रोशनी अभी कैसा है? आँख की रोशनी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत पहले से अच्छा है। और ये दवा खाने से हमको बहुत फ़ायदा है। एक तो चीनी मेरा ख़त्म हो गया और आँख की रोशनी मेरी ठीक है अभी। मेरा नाम नवल किशोर कुशवाहा हुआ और मेरा एज 38 साल हुआ। मेरा घर बेतिया जिला के मझौलिया प्रखंड में हुआ। मैं शुगर टेस्ट जहाँ करा रहा था वहाँ से मालूम चला ये डॉक्टर साहब के बारे में, तो मोतिहारी जिला के रामगढ़वा प्रखंड में एक शिक्षक यहाँ इलाज चला रहे थे और वो ठीक हो गए थे, उनके माध्यम से मालूम चला तो यहाँ आए। उस समय मेरा शुगर लेवल लगभग 260 था और उस समय बहुत कमज़ोर भी था, तो यहाँ आके इलाज करना शुरू किया। इलाज लगभग 3 महीना दवा खाए। 3 महीना दवा खाने के बाद अभी हम दवा छोड़े हुए मेरा 2.5 महीना हो गया। कभी कभी मिठाई भी खा लेते हैं, खीर भी खा लेते हैं।
बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 28 दिसंबर को होना है, जिसको लेकर भागलपुर नगर निगम चुनाव के लिए महापौर और उपमहापौर समेत वार्ड पार्षद पद के लिए जनसंपर्क अभियान तेजी से चल रहा है। वहीं महापौर पद के लिए चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी डॉक्टर वसुंधरा लाल और पूर्व महापौर सीमा शाह के अलावा गजाला परवीन समेत और भी कई उम्मीदवार हैं जो अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इधर अपनी स्थिति को मजबूत करने और जनता का समर्थन पाने के लिए शनिवार को डॉक्टर वसुंधरा लाल ने नीलकंठ नगर, मारूफ चक, मोजाहिदपुर, भरपूरा, लहरी टोला, रामसर, उर्दू बाजार और वार्ड नंबर 19 समेत कई इलाकों में लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की और महापौर पद पर जीत दिलाने के लिए मतदाताओं से अपील की। इस दौरान डॉक्टर वसुंधरा लाल ने भरपूरा में मुस्लिम समाज के लोगों के बीच सभा को भी संबोधित किया और क्षेत्र के लोगों से समर्थन मांगते हुए भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी इलाकों का विकास करने का भरोसा भी दिया। वहीं इसके अलावा डॉक्टर वसुंधरा लाल ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर भागलपुर को सही मायनों में स्मार्ट सिटी का स्वरूप प्रदान करने के लिए समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड और समाज के लोगों का विकास ही उनकी प्राथमिकता होगी। भागलपुर नगर निगम की पूर्व महापौर सीमा शाह ने दूसरी बार महापौर बनने के लिए जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। दरअसल सीमा शाह ने नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए नामांकन के बाद से ही कमर कस ली थी और न्यायालय के निर्देश पर चुनाव पर लगी रोक के बाद दोबारा चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तिथि घोषित होने के बाद फिर से नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग वार्ड का दौरा शुरू कर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रही हैं। एक और जहां पूर्व मेयर को लेकर पिछले दिनों कई तरह की चर्चाएं सामने आई, वहीं जनसंपर्क अभियान के दौरान अलग अलग वार्ड में लोगों द्वारा समर्थन की भी बात कही जा रही है। शनिवार को महापौर प्रत्याशी सीमा शाह ने शहर के दक्षिणी क्षेत्र स्थित शीतला स्थान चौक से रोड शो निकाला और लोगों से मिलते हुए एक बार और उन्हें मौका देने की अपील की। इस दौरान प्रत्याशी के समर्थकों के साथ काफी संख्या में दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने रोड शो में हिस्सा लिया और सीमा शाह को बेहतर कैंडिडेट बताते हुए समर्थन देने की बात कही। हालांकि एक और जहां महापौर पद के चुनाव में सीमा शाह और डॉक्टर वसुंधरा लाल के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, वहीं दोनों प्रत्याशी के समर्थकों का यह भी कहना है कि उनके उम्मीदवार को ही जनता का समर्थन मिलेगा। हालांकि अंतिम निर्णय तो 28 दिसंबर के मतदान के बाद ही सामने आएगा, लेकिन जनसंपर्क और जोर आजमाइश की बात करें तो कोई किसी से कम नहीं दिखाई दे रहा है। इस दौरान पूर्व महापौर सीमा शाह ने कहा कि उन्हें भागलपुर की जनता पर पूरा विश्वास है और वो चुनाव में नगर निगम क्षेत्र की जनता के समर्थन से दोबारा चुनाव जीतकर शहर के विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगी। भागलपुर नगर निगम चुनाव में अपनी किस्मत आसमाने मैदान में उतरे सभी उप महापौर पद के प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार अभियान को तेज कर चुके हैं और इनमें से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो अभी से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग वार्ड के इलाकों में जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है, जहां उम्मीदवार लोगों से घर घर जाकर मिलने के साथ अपने चुनाव चिन्ह और क्रम संख्या की जानकारी देकर अपने पक्ष में मतदान की अपील करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में भागलपुर नगर निगम के लिए उप महापौर पद का चुनाव लड़ रही कविता राय रोजाना सुबह से ही चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने के साथ लगातार लोगों से जनसंपर्क भी कर रही हैं। शनिवार को डिप्टी मेयर कैंडिडेट कविता राय ने शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया, जिसमें खलीफाबाग चौक, मुंदी चक, आनंद चिकित्सालय रोड, वैरायटी चौक, स्टेशन रोड और मारवाड़ी टोला समेत आसपास के इलाकों में लोगों से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं बात अगर वार्ड स्तर की करें तो कविता राय ने अपने समर्थकों के साथ शहर के 18, 19, 20 और 36, 37 नंबर वार्ड समेत आसपास के लोगों से मिलकर अब की बार अपने पक्ष में उपमहापौर बनाने के लिए वोट करने की बात कही। साथ ही पूरे नगर निगम क्षेत्र का विकास करने का भी भरोसा दिया। भागलपुर सुल्तानगंज के गनगनिया गांव के फतेहपुर में NH-80 सड़क किनारे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण ट्रक पुल के गड्ढे में जा गिरा। हालांकि इस दौरान किसी के जान माल की क्षति नहीं हुई। घटना को लेकर गनगनिया पंचायत के पूर्व मुखिया गीता भारती के पति संजय मंडल ने बताया कि शुक्रवार की देर रात्रि पंचायत गनगनिया के ग्राम फतेहपुर में 14 चक्का वाली ट्रक पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जा रही थी, तभी NH-80 के किनारे पुलिया के समीप उनके घर के सामने बिजली के खंभे को तोड़ते हुए जा गिरी। गनीमत यह रही कि वहां रह रहे लोग बाल बाल बच गए। वहीं घटना को लेकर ग्रामीणों का यह भी कहना है कि NH-80 के किनारे फतेहपुर पुलिया का मरम्मत नहीं होने पर बड़ी वाहन एवं छोटी वाहन दुर्घटना का शिकार होती रहती है। इसके लिए जिला प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बचाया जा सके। तो ड्राइवर को नींद आ गया होगा, जिसके कारण अनबैलेंस हुआ गाड़ी। अनबैलेंस हुआ तो पीछे का चक्का जो है पुल के तरफ खींचा और गाड़ी पलटी मार दिया।
यहाँ पर सर पुल पे बार बार हादसा हो रहा है सर। अगले महीना भी तो 22 तारीख को हादसा हुआ था, आने के मतलब पूरब से पश्चिम के तरफ दहिना साइड एक्सीडेंट हुआ था। एक साल के अंदर कितना घटना लगभग हो चुका है? लगभग 12-14 ठो घटना हो चुका है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद भी धड़ल्ले से हो रही है शराब की तस्करी। भागलपुर पुलिस ने जांच के दौरान भारी मात्रा में शराब किया बरामद। भागलपुर में पुलिस जीप ने डिवाइडर को मारी जोरदार टक्कर। मोटरसाइकिल सवार युवक हुआ घायल, जमकर हुआ हंगामा। शहरवासियों को जाम से मिलेगी निजात। चौक चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल का ट्रायल शुरू। और बीहपुर विधायक ने राजद नेता के बयान की निंदा। कहा, अब्दुल बारी सिद्दीकी पर दर्ज हो देशद्रोह का मुकदमा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।